नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। शनिवार को भी क्रिसमस के मौके पर कांग्रेस ने एक बार फिर महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर तंज कसा। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में तेल की बढ़ती कीमतों पर सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भगवान का शुक्र है कि सेंटा बिना पहियों की गाड़ी की सवारी करते हैं, उन्होंने पेट्रोल की भारी कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। अपने एक और ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा, जिंगल बेल्स जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे। ओह, चीजें खरीदने में क्या मजा आएगा, अपनी सारी बचत तो आपसे दूर है। वहीं एक और ट्वीट में कांग्रेस ने कहा कि वो लिस्ट नहीं बना रहे हैं कौन शरारती है और कौन अच्छा है, क्योंकि सरकार के पास कोई डेटा ही नहीं है। इसी के साथ अपने अन्य ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा, क्रिसमस के लिए हम केवल एक ऐसी सरकार चाहती हैं जो सुनती हो। गौरतलब है कि कांग्रेस पिछले कुछ वक्त से महंगाई को लेकर सरकार पर हमलावर है। हाल ही में कांग्रेस ने जयपुर में महंगाई हटाओ रैली की थी, जिसमें महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मोदी सरकार का जमकर घेराव किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।